हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानी डॉट कॉम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे पीएसपी गेम्स को खेल सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग गेम्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, जिसे मैं आपको खेल के दिखा रहा हूं एज अ प्रूफ। और दोस्तों, ये फ़ोन मेरा कोई ज़्यादा हाईफाई फ़ोन नहीं है, मेरा नॉर्मल फ़ोन है। ये ओप्पो का एक बहुत ही पुराना फ़ोन है, करीबन 4-5 साल पुराना फ़ोन है, और उस पर मैं खेल रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको ये प्रोसीजर सारा समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो के पूरे प्रोसीजर को। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके गेम प्ले करने के लिए जो एम्युलेटर है उसे डाउनलोड करना है। वो है, एक ऐप है पीएसपी, मतलब PPSSPP, इसका ऐसे नाम रखा हुआ है। इसे सर्च करेंगे तो ये सामने आपके, मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, ये ऐसी जो भी साइन होगा उस पर आप क्लिक करके आइकन पे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप यही वाली ऐप को इंस्टॉल करें। अब इसको इंस्टॉल करके मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है, ताकि आपको पता चले कि आपने सही एम्युलेटर डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। तो ये देखिए, और साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक एस्फॉल्ट गेम भी देख रहे हैं, 2 एस्फॉल्ट गेम। ये कार रेस गेम है जो मैंने आपको शुरू में खेल के मैंने दिखाया। तो अब मैं आपको एक और गेम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ इस पर कैसे हम दूसरी गेम कर सकते हैं। गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, वहाँ पर गूगल ओपन करके आपको एक, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है PSP ISO कूल रोम करके कर देना है। कूल रोम एक वेबसाइट है, तो इसलिए इजीली ये वेबसाइट का लिंक हमारे सामने आ जाएगा। ये रहा, ये देखिए m.coolrom.com। इसको अब वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और वेबसाइट का इंटरफेस भी ऐसा कुछ है। तो अब ये फीचर्ड गेम्स में मैं इसको थोड़ा हटा के मैं आपके सामने दिखाता हूँ ये गेम जो आप, जिससे आप वाकिफ़ हैं, जो गेम आप खेल चुके हैं बचपन में या थोड़ा समय पहले आप खेल चुके हैं। अब जी पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं GTA गेम ढूंढ रहा हूँ, और ये फेमस गेम है बहुत ही, ये GTA गेम सामने आ गई। इसको GTA को क्लिक करेंगे तो ये आप उसका पेज खुल जाएगा GTA का। गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन है, 557 MB की ये फाइल है। और थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो डाउनलोड नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, 550 MB फाइल शुरू हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये डाउनलोड्स में जाके क्रोम के डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाके आप देख पाएंगे। 4 मिनट दिखा रहा दोस्तों, अभी मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये 4 मिनट वेस्ट यहाँ पे वीडियो पे ना लगे। अब 4 सेकंड रह गए हैं, गेम हो गई है पूरी डाउनलोड। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं यहीं से, इस फाइल को। जैसे हम ओपन करेंगे दोस्तों, ये .rar फाइल है, WinRAR फाइल है, इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे हम। इसका मतलब यह है कि ये अभी कंप्रेस्ड फाइल है, इसको हम अपने फ़ोन में एक जगह पे, कोई एक ऐसा फोल्डर आपके फ़ोन में, गेम का फोल्डर आप बना सकते हैं, उस फोल्डर में जाके इसकी जो फाइल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे और ओके कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं आप सिंपली ओके कर दूँगा। और इसमें भी थोड़ा समय लगेगा ओके करने के बाद, ये थोड़ा सा लोडिंग लेता है। ये देखिए, आपके सामने लोडिंग शुरू होगी। मैं फिर से वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ये 100% हो गया। तो ये ऐसा दिखेगा दोस्तों, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ये गेम है। अब हम ओपन करते हैं PSP को, जो हमने इंस्टॉल की थी ऐप, एम्युलेटर, जो गेम का एम्युलेटर है, इसको ओपन करते हैं। और हमारे सामने ये आ गया इसका इंटरफेस दोबारा, जैसा शुरू में आपने देखा था। अब गेम्स पे क्लिक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन पे। ये देखिए, ये वाली गेम आ गई बीच में, एस्फॉल्ट के साथ में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। अब इसको ओपन करता हूँ मैं, आपको मैं इसका गेम प्ले दिखा देता हूँ और कैसे खेलना है। ये देखिए, गेम इसका मूवी शुरू हो गई है। एक्स प्रेस करके नेक्स्ट कर दिया, और ये देखिए प्रॉपरली रिमोट के सारे बटन्स जो PSP में होते हैं वो स्क्रीन पे बन गए हैं, और आपको सिंपली बिल्कुल सॉफ्ट जेंटल टच से आप इसको प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अभी तक आपने वीडियो को देखा आपका थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।